हेलो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन सॉर्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट की कंडीशन क्या होती है, कैसे वो सॉर्ट करता है कोई एलिमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल लेते हैं 16, 15, 4, 13, 2 एंड यहां पर हम लेते हैं 1। ये हम एक एरे एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से क्या होता है, कंपेयर होता है। अगर ये हमारे पास एलिमेंट है, इनको क्या करना है, सॉर्टेड करना है। तो इस वाली कंडीशन में फर्स्ट वाले एलिमेंट को तो हम लोग नहीं देखेंगे, ये एरे इंडेक्स क्या है, 0 है, ये एरे इंडेक्स 1 है, ये एरे इंडेक्स 2, 3, 4 एंड ये 5। और इसका जो मैक्स साइज है वो कितना है, 6 एलिमेंट इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसका मैक्स साइज हो गया वो 6 हो गया। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट हम सेकेंड एलिमेंट से करते हैं, सेकेंड एलिमेंट से, और वो अपने से आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। अगर वो उससे छोटा एलिमेंट है तो वो उसकी जगह पे आ जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा। इसमें स्वैपिंग नहीं होती, इसमें होती है शिफ्टिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, 15 कंपेयर होगा 16 के साथ। कंपेयर हुआ, 15 इज लेस देन है 16, 16 ग्रेटर है 15, तो उस कंडीशन में 15 आ जाएगा 16 की होगा, और 16 स्वैप ना होके क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो कंडीशन जो हो जाएगी इसमें, मेन जो प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करती है वो करती है शिफ्टिंग की। तो 15 यहां आएगा, 16 यहां हो जाएगा, इसके बाद 4, 13, 2 एंड 1। एर इंडेक्स वही रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, एर इंडेक्स 5। नेक्स्ट कंडीशन, अब 4 जो है अपने आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। 4 सबसे पहले 15 से कंपेयर होगा, 4 एंड 15 कंपेयर होने के बाद यहां पर देखते हैं तो 4 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू है। तो उस कंडीशन में 4 आ जाएगा 15 की जगह पर, 15 जो हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। तो जो अब एरे जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा 4, 15, 16, 13, 2 एंड 1। तो इसमें स्वैप नहीं हो रहा है, स्वैप ना होके क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है एलिमेंट। अगर स्वैप की कंडीशन होती है 15 जो है वो 4 की जगह पे जाता है यहां पर, बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है एलिमेंट। तो ये एरे इंडेक्स पर आ जाएगा 0, ये एरे इंडेक्स 1, ये एरे इंडेक्स 2, ये एरे इंडेक्स 3, ये 4 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। सेम ऐसी कंडीशन अब हमारी जो चलेगी वो चलेगी 13 के लिए। 13 सबसे पहले कंपेयर होगा 4 से, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। फिर 13 होगा 15 से भी कंपेयर, क्योंकि 13 अपने से आगे वालों से सबसे कंपेयर होगा। तो सबसे पहले 13 फर्स्ट एलिमेंट से होगा, फिर 13 सेकेंड एलिमेंट से होगा, अगर वो उससे भी बड़ा है तो फिर वो थर्ड से होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, 13 जो है वो 15 से छोटा है, तो उस कंडीशन में ये दोनों आपस, ये क्या होगा इसकी जगह पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आफ्टर शिफ्टिंग जो हो जाएगा हमारा वो एलिमेंट हो जाएगा 4, 13, 15, 16, 2 एंड 1। ये हमारा एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। फिर सेम कंडीशन अब 2 की कंडीशन के लिए चलेंगे, 2 कंपेयर होगा 4 से। तो उस कंडीशन में 2 जो है वो स्मॉलेस्ट है 4 से, तो उस कंडीशन में ये 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से। तो कंडीशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी 2, 4, 13, 15, 16 एंड 1। अब लास्ट केस बचा हमारा, अब लास्ट 1 है, 1 कंपेयर होगा सबसे पहले एलिमेंट के साथ। तो यहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है 2 से, तो उस कंडीशन में 1 जो होगा वो 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद हमारी प्रॉपर जो बन जाएगी वो सॉर्टेड हमारा एरे जनरेट हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 4, 13, 15 एंड 16। एरे इंडेक्स ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्टेड एरे। तो मेन हमें याद रखना है इंसर्शन सॉर्ट में जो कंडीशन होती है वो होती है शिफ्टिंग की कंडीशन, जबकि इससे पहले वाले अगर सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो उसमें जो होती है वो स्वैपिंग होती है, आपस में वैल्यू जो होती थी स्वैप होती थी, यही डिफरेंस है दोनों में। तो लास्ट में जब सारे शिफ्ट होने के बाद जो हमारा एक्चुअल सॉर्टेड एरे आ गया वो आ गया हमारा
ये प्रॉपर वे में जनरेट हो गया सॉर्टेड। तो ये था हमारा सेलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू फ्रेंड।